तो रूस बन सकता है सोवियत यूनियन से भी बड़ी सुपर पावर। जी हाँ, और इसकी तरफ रूस ने कदम बढ़ा दिए हैं। जी हाँ, अगर आपको पता होगा कि अगर किसी भी देश को सुपर पावर बनना है तो उसे तीन चीज़ें ठीक करनी होती है अपनी। सबसे पहले इकोनॉमी, फिर अपनी मिलिट्री, और तीसरी अपनी जियोग्राफिक लोकेशन यानी कि अपनी स्थिति। वो उन तीनों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करें जैसे कि मिलिट्री, तो रूस का जवाब ही नहीं है। ज़बरदस्त मिलिट्री है उसकी पहले से ही, और आज भी उसकी मिलिट्री काफ़ी अच्छी है। कई मामलों में तो अमेरिका से बहुत ज़्यादा आगे है, जैसे कि मिसाइलों के मामले में। बात करें इकोनॉमी के मामले में, तो वो उसे ही ठीक करने के लिए एक बहुत बड़ा समझौता हो रहा है ओपेक कंट्री के बीच में और रूस के बीच में। ये समझौता होता है तो रूस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, ये भी हम बात करेंगे। तीसरी, जियोग्राफिक लोकेशन, वो भी रूस की धीरे धीरे अपने आप सुधर रही है। जी हाँ, ये भी एक बड़ी आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी लगेगी, इसे वीडियो में एंड में हम डिस्कस करेंगे। और एक पॉइंट और मैं डिस्कस करने वाला हूँ, भले ही वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, कि भारत की जो रणनीति चेंज हो रही है कि नहीं, हमने भारत ने रूस का साथ ऐसे समय में दिया है, या रूस ने भारत का साथ ऐसे समय में दिया जब एक दूसरे की, दोनों देशों की हालत ख़राब थी। खासकर रूस का साथ हमने ऐसे समय दिया जब उसकी हालत ख़राब थी, दुनिया के खिलाफ जाकर, अमेरिका के खिलाफ जाकर, जैसे कि 2014 में क्रीमिया के समय जब रूस ने क्रीमिया को एनेक्स किया था। लेकिन अब जब रूस की हालत सुधर रही है तो हम रूस से अलग हो रहे हैं। क्या है भारत की रणनीति सही है, इस पर भी हम बात करेंगे वीडियो के एंड में। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट, आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, फाइनेंशियल, जितने भी यहाँ पर एनालिसिस आपको मिलते रहते हैं, ऐसे जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं मिलेंगे, ऐसी न्यूज़ को हम यहाँ पर कवर करते हैं। तो पहले बात कर रही हूँ कि ओपेक के साथ होने वाले समझौते के बारे में। तो समझौता क्या होने वाला और इससे रूस की इकोनॉमी कितनी सुधर सकती है, देखिए इससे होगा क्या। देखिए पहले बात करिए कि ओपेक को क्यों रूस की इतनी ज़रूरत है, जबकि वो अमेरिका के खिलाफ जाकर रूस के साथ समझौता कर रहा है। दोस्तों अभी हुआ क्या है कि पहले ओपेक कंट्रीज हैं जिसमें ये अरब देश होते हैं मेनली, जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज होती हैं, ये बेचती थी अपना ऑयल 70 से 80+ इन, मतलब कि बैरल पर डॉलर के हिसाब से 80 से प्लस इनका रहता था। और लेकिन अब पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है कि पहले इनका जो मेन जो इम्पोर्टर कंट्रीज थे, जिन्हें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, जैसे कि उनमें तीन थे, अमेरिका, भारत और चीन। भारत और चीन तो खरीद रहे हैं, लेकिन जो अमेरिका था वो अब क्या हो गया कि वो सेल्फ रिलायबल हो चुका है। वो अब जो शेल ऑयल इंपोर्ट अपने देश में खुद ही बनाते हैं और उसके अलावा उसे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। उन्हें भारत ने में भी छोटी मोटी स्टार्टिंग कर दी एक्सपोर्टिंग की। तो इससे क्या होगा कि ऑयल के प्राइस में ड्रॉप आना शुरू हो गया, ये 50-55 तक 60 तक पहुँच गया। अब इन पर दोहरी मार क्या पड़ गई, कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस की वजह से जो चाइना में इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो पड़ गई, फैक्ट्री बंद होने लगी, लोगों की आवाजाही बंद पड़ी। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे वुहान जैसे बड़े बड़े शहर खाली पड़े हैं, मतलब कि कोई बाहर नहीं निकल रहा घर से। तो जो उनकी जो मांग थी तेल की वो और कम पड़ गई, और इससे क्या हुआ कि एकदम से वहाँ पर जो ऑयल की इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी थोड़ी बंद हुई, तो वहाँ पर जो मांग की वजह से मांग कम हुई तो तेल के प्राइस भी कम हो गए। जी हाँ, और ये बहुत ही कम हुए हैं। इसके अलावा भारत में भी आप देखा होगा हल्का सा इकोनॉमिक स्लोडाउन भी देखने को मिला हमारे यहाँ, जो इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से वहाँ हमारे यहाँ भी थोड़ी मांग कम हुई है। तो इससे ओवरऑल ग्रोथ दुनिया भर में कम पड़ रही है और ऑयल की मांग कम पड़ रही है, जिससे कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो इसे ही कॉम्बैट करने के लिए, इसे ही एक तरीके से चैलेंज करने के लिए इन देशों ने क्या किया कि रूस क्या था, रूस अनलिमिटेड ऑयल सप्लाई करता था यूरोपियन देशों को। जी हाँ, कोई मतलब कि रोक टोक नहीं थी कितनी भारी मात्रा में, जिससे कि ऑयल की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती थी और ऑयल की मांग कम हो, मतलब कि जो प्राइस थे वो कम हो रहे थे, क्योंकि बाजार में इतना सारा तेल आ गया तो उसकी कीमत घट जाएगी। तो इसी चीज़ को देखते हुए इन्होंने रूस को अपने साथ लेना शुरू कर दिया है, अमेरिका की चेतावनी के बावजूद, यूरोपियन देशों की चेतावनी के बावजूद, कि आप हमारे साथ समझौता कीजिए कि आप ऑयल की प्रोडक्शन कट करेंगे और आपको हम अपने साथ लेकर चलेंगे, आपको इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे, आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलेंगे, हम आपको तेल के बाजार दिलाएंगे दुनिया भर में, अमेरिका से भी बात करेंगे। तो इन चीज़ों को देखते हुए रूस की इकोनॉमिक हालात बहुत ज़्यादा सुधरने वाला है, ये आप बिल्कुल लिख कर रख लीजिए, क्योंकि रूस के पास न सिर्फ तेल बल्कि ऑयल के, इसके अलावा जो बहुत सारे मिनरल्स के बहुत भंडार हैं उसके पास, अकूत संपत्ति है। अगर वो इसे, अगर ओपेक कंट्रीज़ उसे रास्ता देती हैं दुनिया भर के बाजारों का अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद, तो फिर उसके लिए बहुत बड़ी जीत होगी, उसे अरबों खरबों रुपए मिलने वाले, ये बात आप फॉर श्योर लिख कर रख लीजिए। अब बात कर लेते हैं मिलिट्री के तौर पर। तो मिलिट्री के तौर पर स्थिति कितनी सुधरी है, मिलिट्री के तौर पर उन्होंने अपनी मतलब कि पावर तो बढ़ाई है, लेकिन पावर को इस्तेमाल करने की जो टेक्निक है व्लादिमीर पुतिन की, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। मतलब कि उन्होंने ऐसा नहीं कि अमेरिका की जगह पूरी दुनिया में हर जगह अपनी मिलिट्री भेज रखी, उन्होंने 2004 जगह भेजी है, लेकिन बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर भेजी है और उनकी सेना ने उन्हें बहुत ही बेहतर रिजल्ट दिए।
उदाहरण के तौर पर सीरिया, सीरिया में उन्होंने बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से अपनी रेड आर्मी को, जी हाँ रूस की आर्मी को रेड आर्मी बोला जाता है, रेड आर्मी को बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से इस्तेमाल किया है जिसका फ़ायदा उन्हें मिला है, और उन्होंने वहाँ से अमेरिका तो को बैकआउट करवा दिया। जी हाँ, वहाँ पर जो कुर्द फोर्सेस थी उन्हें सीरिया के सपोर्ट में ला दिया, सीरिया और सीरिया रूस के सपोर्ट में है, जो कुर्द उनके खिलाफ लड़ रहे थे आज उनके साथ खड़े हैं, तुर्की को उन्होंने झुका दिया। तो इन चीज़ों को देखिए, और इसके अलावा एक ये भी है कि तुर्की को उन्होंने नाटो कंट्री से अलग कर दिया, जो उनका मेन जंक्शन पॉइंट था जहाँ से वो अपना सारा सामान एक्सपोर्ट करते हैं इस्तांबुल के पोर्ट्स के थ्रू, वो अब उनके कंट्रोल में है टोटली। ये मानकर आप चलिए रेसेप तय्यिप एर्दोगान की गर्दन इस समय व्लादिमीर पुतिन के हाथ में है। इसके लिए रूस ने बड़ी मेहनत की है, उन्होंने आप देखिए कि अमेरिका में राष्ट्रपति तक बदलवा दिया, ये भी तो आप देखिए, उन्होंने राष्ट्रपति तक बदलवा दिया लिटरली अमेरिका में, और ये चीज़ अमेरिका को बहुत कोज कर रही है, अमेरिका को जितना नुकसान, ये बात आप अगर थोड़ा डिटेल में जानेंगे तो अमेरिका को जितना नुकसान डोनाल्ड ट्रंप ने पहुंचाया है वर्ल्ड वाइड, इतना नुकसान उन्हें किसी ने नहीं पहुंचाया। हाँ, फाइनेंशियली जरूर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को मजबूत बनाने की कोशिश करी है, लेकिन जो मिलिट्रली या फिर दुनिया में डिप्लोमेटिकली जितना नुकसान अमेरिका को पिछले 4 से 5 सालों में हुआ है, इतना आज तक नहीं देखने को मिला, क्योंकि रूस ने बहुत ही भारी एक्सपेंशन कर लिया है आज की तारीख में, और रूस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। और इसके अलावा भी कई जगह है जहाँ पर उन्होंने मिलिट्री इंटरवेंशन करके रखा है, जैसे कि उन्होंने ऐसा नहीं कि अमेरिका ने सिर्फ मिडिल ईस्ट में अपना इंटरवेंशन करके रखा है, उन्होंने यूरोप में भी है, यूरोप के कोई छोटे छोटे देश है, जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊँ सर्बिया, सर्बिया में रूस की मिलिट्री तैनात है जो सर्बिया को प्रोटेक्ट करती है, रूस चाहता है कि वहाँ पर सर्बिया में रूस का, अमेरिका चाहता है कि सर्बिया से रूस का जो कनेक्शन है वो हट जाए। तो इस तरह की चीज़ें चल रही है, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा है अमेरिका कहीं भी, और आप जानते हैं नाटो में फूट पड़ी है। इसके अलावा रूस ने अपनी आर्मी को कितना स्ट्रॉन्ग बनाया, इस बात का अंदाज इस बात से लगा लीजिए कि उनके पास कुछ ऐसी मिसाइलें हैं जिनका तोड़ अमेरिका और उसके सहयोगी देश नहीं बना पाए हैं, जैसे कि हाइपरसोनिक मिसाइलों का जंगी बेड़ा जो उन्होंने अपनी मिलिट्री में इंक्लूड कर लिया, जैसे कि एवनगार्ड, जिरकॉन और किंजल मिसाइलें हैं जो तीनों हैं, जैसे कि हवा, पानी और जो सतह से मार करने वाली है, उनके पास मिसाइल है जो उन्होंने अपनी आर्मी में इंडक्ट कर ली है, इसका कोई तोड़ नहीं है, इसे इसका ट्रैक नहीं कर सकती जो पश्चिमी देश हैं या फिर अमेरिका। अब बात कर लेते हैं जियोग्राफिकली, यानी कि उनकी लोकेशन में कितना चेंज आ रहा है, इनकी लोकेशन में आप ये कह सकते हैं कि भगवान इनका साथ दे रहा है। दरअसल पहले क्या था कि बहुत भारी बर्फबारी की वजह से जो रूस है वो पूरा, आप देखते थे कितनी बड़ी समुद्र सीमाएं, लेकिन वो साल उसकी मतलब कि आप ये देखिए कि 90-95% जो सीमाएं होती हैं वो उनकी जमी रहती हैं हमेशा, और जो बाकी 5-10% जो खुली रहती है वो सीधा जिन क्षेत्रों से उसके माल जाते हैं मतलब कि जो पोर्ट के थ्रू वो कंट्रोल होते हैं बाय, कहीं से तुर्की कंट्रोल कर रहा है उसे नीचे से, ऊपर से उनमें डेनमार्क वगैरह जो नाटो कंट्रीज है वो कंट्रोल करते हैं। तो रूस को मतलब कि ऐसे सामान दुनिया भर में भेजने में इन पर रिलाय रहना पड़ता था, उसके जितने भी पोर्ट थे वे जमे रहते थे ज़्यादातर समय, साल के 1-2 महीने खुलते थे। तो लेकिन अब क्या हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ का टेम्परेचर का राइज होना शुरू हुआ है, बर्फ का पिघलना शुरू हो गया है, जिससे हो रहा क्या है कि अब कि रूस को जो उसके चारों तरफ के ना सिर्फ ये पोर्ट्स, अब जब उसकी मतलब कि जो जैसे कि आप देखेंगे कि जो उसकी समुद्री सीमा है वो खुल रही है, इसके अलावा दूसरा फायदा उसे एक और हो रहा है कि जो उसके जो मिनरल के भंडार थे, जैसे कि नेचुरल मिनरल्स होते हैं, जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर सोना, चांदी, जो दूसरे जो चीज़ें होती है जैसे कि हीरा की खदान थी, कोयले की खदान थी, वो भी खुलनी शुरू हो गया, क्योंकि पहले बर्फ भारी भारी बर्फबारी होती थी, वहाँ पर 100-150 फीट बर्फ पड़ी रहती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, मैंने बताया जैसे कि टेम्परेचर राइज हो रहा है, बर्फ पिघल रही है, उसके लिए ना सिर्फ समुद्री रास्ते खुल रहे हैं नए नए, बल्कि उसका जो उन क्षेत्रों में जहाँ पर साल के 12 महीने बर्फ ही बर्फ रहती थी वहाँ पर वो खदान नहीं स्टार्ट कर पाते थे, वहाँ पर भी अब लगातार बर्फ पिघलने की वजह से वो भी एक तरीके से खुलने शुरू हो गए हैं, वो उसके लिए जो भंडार है अकूत भंडार वो भी खुलने शुरू हो गए हैं, इसमें रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं जिनसे बड़े बड़े फाइटर जेट बनते हैं, स्टेल्थ फाइटर जेट बनते हैं। तो वो चीज़ें अगर आने वाले समय में रूस को बहुत फ़ायदा होने वाला है। लेकिन अब बात करें कि क्या भारत की रणनीति सही है, कि क्या हम रूस को छोड़कर अमेरिका के साथ जा रहे हैं, तो ये हालांकि देखिए हमने रूस का ऐसे समय साथ दिया है जब उसका समय बहुत ख़राब था, 2014 से पहले और 2014 में आप देखें तो हमने उसका साथ ऐसे समय दिया जब कोई भी उसके साथ नहीं खड़ा था, इवन चीन एब्सटेंट तक कर गया, लेकिन भारत ने उसके साथ खड़ा रहकर अपनी सोलिडरिटी दिखाई थी। लेकिन उसके बाद भारत की रणनीति बदली है, हम अमेरिका के ज़्यादा क्लोज हुए हैं, वो भी ऐसे राष्ट्रपति के समय जो विश्वास के लायक ही नहीं है, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, और जिसने भारत पर कई टैरिफ भी लगा रखे हैं, जैसे कि सिर्फ एक हार्ले डेविडसन जैसी छोटी मोटरसाइकिल कंपनी के लिए उसने भारत से दुश्मनी तक करने की कोशिश करी, हमें कई GSP जैसे समूह से बाहर निकाल दिया, जैसे कि हमें अरबों डॉलर का फ़ायदा होता था।
तो चाहे भारत की रणनीति सही है मेरे हिसाब से, इस पर सोचना चाहिए दोबारा से, वो भी डोनाल्ड ट्रंप जैसे राष्ट्रपति के लिए। चलो बराक ओबामा होते, कोई और वो राष्ट्रपति होता तो वो इस बात को समझता, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस बात को नहीं समझते, वो सिर्फ एक ही चीज़ देखते हैं, वो है अमेरिका का फ़ायदा। भारत को भी अब इसी रणनीति पर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि रूस का समय, मुझे ऐसा लगता है, बहुत से जो एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि अब बहुत अच्छा समय रूस का आने वाला है। दोस्तों आपका क्या व्यू है इस पर कमेंट करके जरूर बताएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही आपको अलग अलग डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड जितने भी एनालिसिस हैं मिलते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के बाद सबका धन्यवाद, कीप सब्सक्राइब माय चैनल, कीप सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।